रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप देख रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान का संस्कृत मंच। आधुनिक हो भाव संस्कृत संवाद, आधुनिक बनिए संस्कृत बोलिए। सरल सरल और सरस संस्कृत बोलने के लिए शिविर प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं। हंसते हंसते खेलते खेलते आप संस्कृत सीख सकते हैं। संभाषण एवं अनुवाद कौशल प्राप्त करने के जिज्ञासु जितने भी हमारे मित्र हैं, सुधीजन, सबका सादर आमंत्रण है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। महागणितज्ञ ज्योतिर्वैज्ञानिक भास्कराचार्य स्मृति अंतरजालीय 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज रात्रि से प्रारंभ हो रहा है। पंजीकरण की लिंक हम इसमें नीचे डालने वाले हैं, आप उससे पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर भी होगा, नंबर पर फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कहीं भी दुनिया में आप बैठे हैं, आप इस संस्कृत शिविर से जुड़कर संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। आधुनिको भव संस्कृत वत आधुनिक बनिए संस्कृत बोलिए। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत। निरंतर 20 शिविर, ये निरंतर 20वां शिविर है। ये बहुत गर्व अभिमान की बात है कि हम भी इससे जुड़े हुए हैं। एक मीडिया मंच के माध्यम से ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का समय आज लिख लीजिए, रात्रि 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा। दिनांक 11 मई, आज 11 मई है, 21 मई तक लगातार चलेगा। लगातार 10 दिन का यह शिविर होगा। आपसे हमारा निवेदन है, अवश्य इसमें जुड़े। संस्कृत देवभाषा संस्कृत के प्रचार और प्रसार में आप भी अपना वैयक्तिक योगदान अवश्य दें। पंजीकरण की अंतिम तिथि आज ही है, रात्रि 11:59 तक, यानी आज की तारीख जहां पर खत्म होगी तब तक कृपया शीघ्र नामांकन करें। सर्वत्र संस्कृतम, बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना एवं पार्थ संस्कृत अकादमी दिल्ली के द्वारा आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अंतर्गत महागणितज्ञ ज्योतिर्वैज्ञानिक आर्यभट्ट स्मृति अंतरजाली 10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन 11 मई से 21 मई तक 2024 को रात्रि 8:30 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है। इस शिविर में सरल और अनुकरण विधि से इसी के माध्यम से ऑनलाइन संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया जाएगा। यह शिविर केवल 30 सदस्यों के लिए है। पंजीकरण शुल्क ₹200 है। इच्छुक संस्कृत अनुरागी शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राएं संस्कृत सीखने हेतु अवश्य जुड़े। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। योग्यता हम बताना चाहेंगे इस संस्कृत संभाषण शिविर में, संस्कृत सीखने के इस सरल और सरस अभियान में, इस इंटरनेट कर के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर, संस्कृत सीखने के शिविर में आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आप दुनिया में कहीं भी हो, योग्यता सिर्फ इतनी चाहिए कि आपको संस्कृत के प्रति आपके मन में प्रेम हो, आप संस्कृतानुरागी हो। प्रवेश शुल्क मात्र ₹200 है, ₹200 कुछ नहीं होता, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं आप समझ सकते हैं। इतने मिनिमम शुल्क के, इतने कम से कम शुल्क के माध्यम से कुछ बड़ी व्यवस्थाएं करनी होती है। इसके लिए आपसे ये निवेदन किया गया है, गूगल या पेपोन के माध्यम से, पेटीएम के नंबर से, अमेजोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, हम नीचे भी ये नंबर देंगे, 9555-6426-11, 9555-6426-11। यद्यपि शिक्षण पूर्णतया निःशुल्क है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, तथापि अनुशासन प्रमाण पत्र एवं ऑनलाइन व्यवस्था है तो शुल्क रूप में प्रति वर्ग ₹200 ऑनलाइन जमा करना होगा। वर्ग अर्थात जो प्रति पर कैंडिडेट, यानी कि अगर आप सीख रहे हैं पर व्यक्ति ₹200 की एक छोटी सी मामूली राशि आपसे अपेक्षित है। शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के अंत में QR कोड दिया गया है, उसमें शुल्क जमा करके उसके स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम आप व्हाट्सएप कीजिए। नंबर हम आपको बताते हैं, ये नंबर है राष्ट्रीय संयोजक पिंटू कुमार महोदय जी का, 9555-6426-11। फिर से लिखिए, 9555-6426-11, राष्ट्रीय संयोजक पिंटू कुमार जी इस अभियान के, इनका ये नंबर है, इसको आपको इनके इनसे संपर्क करना है, इस पर आपको पेमेंट करना है इस नंबर पर। तत्पश्चात आपके नंबर को शिविर समूह से संयुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। इसके पश्चात प्रशिक्षक महोदय डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी से आप वार्तालाप कर सकते हैं इस नंबर पर 6299-47-6166, यानी कि
9947616166। संस्कृत संभाषण शिविर हेतु पंजीकरण शुल्क अनिवार्य है। सभी प्रतियोगितों के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शिविर के समापन दिवस पर संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के साथ साथ प्रोत्साहन तथा विशेष पुरस्कार एवं सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रतियोगिता केवल इस संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लेने वालों के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं। इस संस्कृत संभाषण शिविर में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। निवेदक है हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के। आप संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं, फिरोज गांधी महाविद्यालय पाटलिपुत्र के महासचिव हैं और बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के महासचिव हैं। क्षमा चाहूंगा, मैं संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं फिरोज गांधी महाविद्यालय पाटलिपुत्र से और महासचिव हैं बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना से। और दूसरे हमारे निवेदक हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, विशेष सचिव है आप गृह विभाग उत्तर प्रदेश में। आप प्रधान संरक्षक है आधुनिक भाव संस्कृतम वद अभियान। श्री धर्मेंद्र पति त्रिपाठी जी, संयुक्त निदेशक है पेंशन विभाग में उत्तर प्रदेश। संरक्षक है आप आधुनिक भाव संस्कृतम वद अभियान। निरंतर तदनंतर डॉक्टर मिथिलेश झा, संरक्षक है आप आधुनिक भाव संस्कृतम वद अभियान के। आप वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक भी हैं। तदनंतर प्रोफेसर पंकज ठाकर, आचार्य हैं आप संस्कृत कच्छ विद्यालय, कच्छ विश्वविद्यालय गुजरात के। आप संरक्षक हैं आधुनिक भाव संस्कृतम वद अभियान के। इसके साथ जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर अनिल कुमार चौबे, जो कि संरक्षक है आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक है। श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा, संरक्षक आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक है। श्री महेश मिश्र, साहित्यकार पत्रकार है, संरक्षक है आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान। डॉक्टर रागिनी वर्मा, राष्ट्रीय संयोजिका है ये आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान से, सह आचार्या संस्कृत विभाग गंगा देवी महिला कॉलेज से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। श्री उग्र नारायण झा, उपाध्यक्ष है उप आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान से। श्री पिंटू कुमार, राष्ट्रीय संयोजक है आधुनिको भव संस्कृत वद अभियान, संस्थापक पाठ संस्कृत क्लासेस दिल्ली, शोधार्थी संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। हम ये भी बताना चाहेंगे आप सभी को कि विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दो नंबर, तीन नंबर यहाँ पर हम दे रहे हैं। मातृभाषा में पहले बताता हूँ आपको ये नंबर संपर्क के लिए, 9430588296। दूसरा दूरभाष क्रमांक, वो नंबर लिखिए, 6299476166। तृतीय दूरभाष क्रमांक लिखे, 9555642611। अब मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, 9430588296, 6299476166 और 9555642611। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, देव भाषा संस्कृत के इस महाअभियान में आप भी जुड़े, आप भी अपनी आहुति दें। इस महायज्ञ में हम अपनी देवीय विरासत, भाषाई विरासत को, अपनी देव भाषा संस्कृत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कृत संकल्पित है। हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ आए और इस अभियान को सशक्त करें। चलते हैं, हमेशा की तरह कहेंगे, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते लेते रहिए हैं जय श्री राम। जय पानी श्री राम। बचाइए, सबको पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय श्री राम। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, भारत माँ की जय और हमारी देव भाषा संस्कृत की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।